हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग की। जगह जैसे कि मैंने दो तीन वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं ट्रेडिंग में, आपने देखा होगा किस प्रकार का ट्रेडिंग होता है, कैसे होता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। जो भी अभी लोग GDS नहीं है, जो लोग GDS है उनको तो पता होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे डिविजन होंगे जहाँ पर ट्रेडिंग करवाया नहीं गया, तो आप भी ये वीडियो जरूर देखें। बात करते हैं ट्रेडिंग का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले सुबह 10 बजे आपको जाना होता है, रिपोर्टिंग करनी होती है हेड ऑफिस में। वहाँ पे जाने के बाद लगभग 10:30 तो बजी जाते हैं, आधा घंटा प्रोजेक्टर सेट किया जाता है। जी हाँ, सारी चीज़ें प्रोजेक्टर में आपको शो किया जाएगा। जैसे मैंने वीडियो में कि सारे वीडियोस होते हैं, उन वीडियोस को आपको बहुत ही केयरफुली देखना होता है। उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम देना होता है। जी हाँ गाइस, हर एक क्वेश्चन का एग्जाम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम ना, और ये जो एग्जाम है अभी देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने सर्टिफिकेट स्कोर किया है, जहाँ पे मेरा परसेंटेज जो है 72। जी हाँ गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया। पहले जो मैंने किया था यूनिफाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, वहाँ पे मेरा परसेंटेज 85 था, जो कि काफी सही है। डिपार्टमेंट आपको हमेशा बोलेगा कि अबव 70% आपका होना चाहिए, 70% होना ही चाहिए, 70% से नीचे एक बैड इंप्रेशन माना जाता है, ठीक है, डिपार्टमेंट में। लेकिन फिर भी मैंने सम हाउ 72 एक इंप्रेशन मेंटेन करके रखा हूं 72%। और मैं आपको बता दूं, इस ट्रेनिंग में मेरे पूरे जितने भी लोग गए थे, लगभग 20 से 25 लोग आई थिंक गए थे, 20 मेरे को याद है, 20 से 25 लोग थे, जिनमें से सबसे हाईएस्ट जो है वो है 78%, सिर्फ और सिर्फ। आप समझ सकते हो 78% है, और शायद मैं सेकंड या थर्ड हूँ जहाँ पे मैंने 72% स्कोर किया है। और मेरे जो कलीग्स थे उन्होंने 66, 70 ऐसे तरीके से स्कोर किया, यानी 60 के ऊपर सभी हैं ज़्यादातर, क्योंकि 60 के ऊपर आपको मेंटेन रखना ही होगा वरना पास नहीं कर पाओगे। अब ये जो एग्जाम है, ये किसके ऊपर ट्रेनिंग था? ट्रेनिंग था न्यू टैबलेट्स के बारे में। अगर न्यू टैब हमें दे दिया जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी है। सेप्टेम्बर से अक्टूबर के बीच में कभी भी हमें न्यू डिवाइस दे दिया जाएगा, ठीक है, एक नया टैबलेट दिया जाएगा जिसके अंदर सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे, डिलीवरी वगैरह सारी चीजें आप उसी ऐप में कर सकते हो, ठीक है। मल्टीटास्किंग वाला जो है एंड्रॉइड डिवाइस हमें दे दिया जाएगा, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उनके बारे में कल वीडियो में बताएगा किस तरीके से हमें हैंडल करना है, कौन से ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे लॉग इन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होंगे, एक तो बायोमेट्रिक होगा आपका, एक है यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ आप लॉग इन कर सकते हो, उसके साथ फेस आईडी अनलॉक भी अभी अवेलेबल होगा। तो ये बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे बताया गया कल ट्रेनिंग के बारे में। और बात करते हैं ट्रेनिंग का पैटर्न क्या होता है। जी हाँ गाइस, तो सबसे पहले आपको 37 वीडियोस देखने होते हैं। अब वीडियोस ज्यादातर नहीं चलते, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वीडियोस नहीं चलते हैं, ठीक है। आप लॉग इन करोगे, कितना भी क्लिक कर लो, डाक कर्मयोगी में, जी हाँ, छानी ट्रेनिंग डाक कर्मयोगी पोर्टल पे होते हैं। सबसे पहले आपको लॉग इन करना होता है, मैंने आपको बताया था कैसे लॉग इन है, CPC आईडी आपको कैसे बनाना है, उसके साथ आपको आईडी पासवर्ड मिलता है, उससे आपको लॉग इन कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर ट्रेनिंग होता है, हर एक, पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन वीडियो आता था, उसके बाद सारे 37 वीडियोस हम देख लेते थे, उसके बाद एग्जाम देते थे। अब ऐसा नहीं है, इस एग्जाम में क्या होता है, ये जो है यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉइड एप्लीकेशन दक्षत, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये जो ट्रेनिंग है इसमें क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हर दो वीडियो के बाद एक एग्जाम होता है, हर दो वीडियो के बाद एक एग्जाम होता है, और 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन यहाँ पे आते रहते हैं, और आपको मिनिमम 60% स्कोर करना है। अगर 60% नीचे करोगे तो वापस से एग्जाम देना होता है। तो कल तो भाई साहब हालत खराब हो गई, 10:30 बजे गए और शाम को 6:30 बजे घर आए। कैन यू बिलीव इट, दो ट्रेनिंग्स थे, एक नहीं थे, दो ट्रेनिंग थे। एक तो पहले यूनिफाइड दर्पण पोर्टल एप्लीकेशन दक्षत था, उसके बाद वापस से यूनिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें प्रारंभ और एक एग्जाम था जिसके ऊपर 4 वीडियोस थे, वो भी देखने पड़े। उसके बाद वापस से एग्जाम देना पड़ा, उसमें शायद 6 क्वेश्चंस थे, ज्यादा नहीं थे, उसमें मैंने 100% स्कोर किया, तो बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पे 100% स्कोर किया। तो इसी तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, आपके एग्जाम्स होते हैं, आप ऐसे ही पास नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो समझनी होगी, आपको नोटपैड भी दिया जाता है, ठीक है, नोटपैड प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट के, मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में कौन सी चीजें आपको ट्रेनिंग में मिलता है, ठीक है। और हाँ, डेफिनेटली लंच आपको मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। कल पूरी खिलाया हम लोगों को, पूरी सब्जी और रसगुल्ला एंड अलग और थोड़े दो स्वीट्स थे, तो काफ़ी खाना बना काफ़ी सही है, अच्छे खासे खाना आपको मिल जाएगा। उसके साथ सबको पेन मिलता है, नोटपैड मिलता है, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बीच में ऑफ भी मिलता है, ठीक है, एक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद थोड़ा बहुत ब्रेक मिलता है, उसके बाद अगला ट्रेनिंग वापस से शुरू हो जाता है। तो अभी मैंने आपको बता दिया, सेप्टेम्बर या अक्टूबर महीने से न्यू टैबलेट्स आ जाएंगे, न्यू सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बोडा रिपोर्ट कैसे बनाना, IBPS का काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कल एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, किस तरीके से करना है, क्या करना है। थोड़ा समझाया, पूरा तो नहीं समझाओ, मैं आपको दिखाऊंगा कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और हाँ, एक बात बता दूं, जो यूनिफाइड दर्पण पोर्टल का जो एग्जाम होता है वो 50 मार्क का होता है, फाइनल टेस्ट। जी हाँ, वैसे तो आप सारे मतलब दो वीडियोस देखने के बाद एक एग्जाम दोगे, फिर से दो वीडियोस देखने के बाद एक एग्जाम दोगे, इस तरीके से देते 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 बहुत टाइम चला जाएगा। हम लोगों को लगभग 2:30 बजे एग्जाम दिया। फाइनल टेस्ट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर ही आपका परसेंटेज बनता है। पहले वाले क्वेश्चन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, वो बस प्रैक्टिस सेट होता है, प्रैक्टिस टेस्ट आप करते हो, पास करके जाते हो, यानी कि आपने पढ़ाई करी हुई है, और फाइनल एग्जाम 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आई होप को वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऐसे वीडियोस आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा।